के बाद स्वागत है और अब खबरें अंडमान से। पोर्ट ब्लेयर शहर की यातायात पुलिस ने जनता से यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है। एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए पोर्ट ब्लेयर शहर के यातायात पुलिस के उप पुलिस अधीक्षक मोहम्मद उमर ने बताया कि यातायात पुलिस कतई ये नहीं चाहती है कि वो लोगों के चालान काटे, इसलिए उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वो यातायात नियमों का पालन करें और अपने आप को और भी अन्य सड़क उपभोक्ताओं को सड़क में सुरक्षित रखें। श्री उमर ने आगे बताया कि यातायात पुलिस ने उपराज्यपाल के आदेश के बाद यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कई सारे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। खासतौर पर स्कूलों में शहर के अलग अलग हिस्सों में नाटक आदि कर लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने मीडिया से भी अनुरोध किया है कि वे बजाय यातायात पुलिस की आलोचना करने के लोगों को जागरूक करने का काम करें और इस जागरूकता अभियान में उनका सहयोग करें, क्योंकि यातायात पुलिस शहर में यातायात को सुधारने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। श्री उमर ने आगे मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यातायात पुलिस सड़क के किनारे खराब पड़ी गाड़ियों को प्राइवेट बस स्टैंड पर इकट्ठा कर जल्द उनकी नीलामी करेगी। उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस के पास इन खराब गाड़ियों को रखने के लिए डंपिंग यार्ड नहीं है, जिस वजह से उन्होंने अब तक यह कदम नहीं लिया था। उन्होंने बताया कि डंपिंग यार्ड के लिए यातायात पुलिस ने नगरपालिका को पत्र लिख दिया है और जैसे ही उन्हें डंपिंग यार्ड मिल जाता है वो इस काम के लिए देरी बिल्कुल नहीं करेंगे। और अंत में चैनल वन न्यूज से बात करते हुए यातायात पुलिस के पुलिस अधीक्षक आर के पांडे ने सड़क उपभोक्ताओं को अन्य सड़क उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान करने का निर्देश दिया, जिसके लिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने अनुरोध किया कि वे शहर में यातायात को बेहतर बनाने में पुलिस की मदद करें। हमारा एजी का कम ये है कि भाई आप इसमें ज्यादा जोर ना दे, फाइन में ज्यादा जोर ना दे करके लोगों का एजुकेट करें, ये कर सकते और वो भी इसके साथ साथ हम वो भी कर रहे हैं। हम लोग जो है अभी रिसेंटली स्कूल स्कूल जाकर के क्लासेस लिए, ट्रैफिक से रिलेटेड शो डेयरी फॉर्म में चलाए, गंदी गाड़ी में चलाए और मरीना पार्क में चला रहे, गांधी पार्क में चला रहे, एक्सीडेंट से रिलेटेड जो है मतलब अभी कुछ दिन से इधर सैटरडे और ये संडे, आज कल संडे का तो दो दिन पिक्चर भी चला उसके साथ में ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए। फर्स्ट दिन हमने चला पीछे पिक्चर, सेकेंड दिन चलाया बॉर्डर और उसको बीच में रोक रख के रोक के जो है ट्रैफिक से रिलेटेड जो एक्सीडेंट है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पिक्चर देखने के बारे में आ जाए और हमारा जो है मैसेज उनको पहुंचा दिया जाए।